हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ वो है मेरे क्लीनिंग रूटीन का वीडियो। एक्चुअली करवा चौथ के बाद और दिवाली से पहले जो 10 दिन बचा हुआ था तो उसमें मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की थी, बट डीप क्लीन नहीं की थी मैं घर को। डीप क्लीन सिर्फ मैं किचन और मेरे बेटे का रूम और फ्रिज को ही की हूँ, क्योंकि इन तीनों को सीरियसली डीप क्लीनिंग की ज़रूरत थी। और बाकी जो जितने भी प्लेसेस थे मेरे घर के, उन सबको बस ऊपर से ही मैंने क्लीन किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं अभी न्यू शिफ्ट हुई हूँ इस घर में। और जब मैं शिफ्ट हुई थी तब मैं ऑलरेडी से डेकोरेट और ऑर्गेनाइज मेरे मन के अकॉर्डिंग की हुई थी, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था। और उन सारे डेकोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं किया। तो सिर्फ इस बार मैं फ़िलहाल किचन और फ्रिज और मेरे बेटे शिवाय का रूम को ही थोड़ा बहुत क्लीन करके ऑर्गेनाइज की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले किचन को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया है। तो सबसे पहले डस्टिंग करके सारे जितनी भी गंदगी थी वो हटा के, और फिर जितना कंटेनर था उन सबको अच्छे से पोंछ कर और फिर रीअरेंज की हूँ। तो यहाँ पे कंटेनर्स में मैंने एक बात का ध्यान रखा है कि जितने भी कंटेनर्स जिनमें कि थोड़ा बहुत सामान है तो उन्हें मैं उनके पर्टिकुलर साइज़ के अकॉर्डिंग फिर से रीफिल करके और फिर अरेंज की हूँ। तो ये किचन ऑर्गेनाइज होने के बाद कुछ इस तरह का मेरा दिख रहा है। तो ये है मेरे किचन का काउंटर टॉप, और फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है एक रैक जिसमें कि मैंने नीचे अरेंज किया हुआ है गर्म पानी के लिए सब कुछ, और साथ में मैंने कप्स भी रखा हुआ है अगर कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी पीना है तो। उसके जस्ट बगल में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को अरेंज करके रखा है, उसके जस्ट ऊपर में मैंने अचार को रखा है, और उसके बगल में मैंने रखा है स्नैक्स, और वहीं पे रखी भी हूँ और टिश्यूज़ और क्लिंग रैप और सिल्वर फॉइल रैप। तो सबसे पहले कबर्ड में मैंने नीचे अरेंज किया हुआ है नमक, चीनी और चाय, और उसके साथ सारे जितने चने होते हैं, बेसन, सूजी, ब्रेकफास्ट का जो भी आइटम है वो उसके बगल वाले ड्रॉअर में मैंने रखा है सारे दाल और सारे चावल, और उसके बगल में मैंने सारे मसालों को अच्छे से अरेंज करके रखा है, और साथ में रखी हुई हूँ दूध में जो भी मिला के खाने या पीने का सामान है वो। और काउंटर टॉप के जस्ट सामने में मैंने सारे अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रखे हैं। उसके नीचे जितने भी कबर्ड्स हैं उसमें मैंने रखा है जितने भी अप्लायंसेस के पार्ट्स होते हैं, जो जार, मिक्सर ग्राइंडर का जार, तो वो अरेंज करके रखी हूँ, और साथ में मैं रखी हूँ किचन का टॉवल्स। और उसके जस्ट बगल में एक और मेरे पास कबर्ड है, तो इसको मैंने एज अ क्रॉकरी अरेंज करने के लिए वो मैंने पूरा बना लिया अपना। और फिर काउंटर टॉप के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे में मैं कुछ सामान अरेंज करके रखी हूँ। यहाँ पे मैं रखी हूँ दो ड्रम, एक छोटे वाले ड्रम में आटा रखी हूँ, बड़े वाले ड्रम में एक्स्ट्रा ग्रॉसरीज रखी हूँ, और उसके जस्ट बगल में एक रैक है जिसमें मैं अरेंज की हुई हूँ गार्लिक, पोटैटो, अनियन, और ऊपर में मैं रखी हूँ सारे जितने कटर्स मुझे ज़रूरत पड़ते हैं वो। तो इस डे के जस्ट नेक्स्ट डे मैं अरेंज की थी अपना फ्रिज, और फ्रिज को बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, आप माने या नहीं माने, क्योंकि फ्रिज को हम जनरली कुकिंग के वक्त छूते हैं, तो जितने भी हाथ के गंदगी है जैसे कि ऑयल या फिर आटा या फिर सब्जी का कोई भी, हल्दी का कोई भी ये दाग, तो वो हाथ से ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रिज में। तो डेफिनेटली फ्रिज को ज़्यादा डीप क्लीन की ज़रूरत होती है। ये डीप क्लीन जो है वो मैं साल में कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर करती हूँ। दिवाली के वक्त तो एक बार कर ही रही हूँ, बट मैं ऐसे भी 2 से 3 बार करती हूँ इस तरह की डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग के लिए मैं फ्रिज के लिए एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन DIY करती हूँ। उस सॉल्यूशन में इक्वल अमाउंट में लेती हूँ वाटर और विनेगर का, और उसमें ऐड करती हूँ एक बड़ा लेमन, और इन तीनों के सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स करके और अंदर में स्प्रे करते करते
टिशू की हेल्प से या फिर कपड़े की हेल्प से पोंछते हुए जाती हूँ और सारे स्टेन्स को रिमूव करती जाती हूँ। और फ्रिज का जो बाहर का जो एरिया है वो सब मैं क्लीन करती हूँ क्वालिन से। क्वालिन से ही जो मैं स्प्रे कर करके साफ करती हूँ जब फ्रिज को, तो वो एनफ होता है। उससे ही बहुत ही अच्छी चमक आ जाती है फ्रिज में। बस क्वालिन स्प्रे करना है और जो टिशू पेपर टिशू होता है उससे बस पोंछते जाना है, तो बहुत ही अच्छा शाइन आ जाता है फ्रिज में और सारी गंदगी भी हट जाती है। अब फ्रिज का जो गेट है उसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, बट सबसे ज़्यादा गंदा उसी में जमता है। तो मैं फ्रिज के गेट का जो रबड़ होता है जैसे कि हम गैसकेट कहते हैं, तो वो एरिया को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। उसको साफ़ करने के लिए मैं एक छोटा सा डंडा या फिर स्टिक या फिर ब्रश ले लेती हूँ और मैं उससे क्लीन करती हूँ। तो इसी तरह से पूरे फ्रिज को मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो जो सॉल्यूशन मैं यूज़ करती हूँ उसको यूज़ करने के बाद एक चीज़ तो है कि फ्रिज में जो फ्रिज का जो बदबू होता है कभी कभी कुछ मसाले या फिर कुछ खाने रखने से जो फ्रिज में जो बदबू हो जाती है तो वो नहीं होती है मेरे फ्रिज के अंदर, और पूरा फ्रेश मतलब जो फ्रेग्रेंस होता है वो रहता है फ्रिज का। तो बस इसी तरह से पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ। एक चीज़ और मैं फ्रिज में ध्यान देती हूँ, हम बहुत सारे जो ग्रॉसरी के छोटे मोटे स्टफ्स होते हैं वो स्टोर करते हैं फ्रिज में, तो वो हमेशा मैं चेक कर लेती हूँ क्लीनिंग के वक्त कि उसका एक्सपायरी डेट कहीं लैप्स नहीं हो जाए। अगर एक्सपायरी डेट ओवर हो जाता है तो फिर वो सबको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ उन सब सामान को। तो बस इतनी छोटी बड़ी बातों का बस ध्यान रखती हूँ और मैं क्लीन कर देती हूँ फ्रिज इस तरह से। तो नेक्स्ट डे अब था शिवाय के रूम का क्लीनिंग का और उसे थोड़ा बहुत अरेंज करने का। तो क्योंकि शिवाय डेली अपने रूम में खेलता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को बिखेरता है, उसका रूम बहुत मैसी हो जाता है। इनफैक्ट मैं हर रात क्लीन करके ही सोती हूँ, बट इस दिन पर्टिकुलर मैं उसके चीज़ों को अरेंज कर रही थी। मैं जब से आई थी तो इस तरह का बड़ा बड़ा कार्टून्स रखी हुई थी उसके खिलौने को वहाँ पे रखने के लिए, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शिवाय कंफर्टेबली ना वो उन टॉयज से खेल नहीं पा रहा था, उसे निकालने में दिक्कत होता था। वो एक एक चीज़ मुझसे पूछते रहता था कि मम्मा मतलब उसका बहुत सारा टॉयज है तो वो मेरे से पूछते रहता था कि मम्मी मेरे पास मेरा डक कहाँ है, मेरा चेयर कहाँ है। तो इस तरह से ना टॉयज को सेग्रीगेट मैं सोची कि मैं कर दे रही हूँ ताकि उसे किसी भी चीज़ों को खोजने के लिए मेरी हेल्प ना पड़े, वो थोड़ा इंडिपेंडेंटली खेले। ऐसे जब मैं कार्टून में स्टफ़ कर दी थी सारा सामान तो उस चीज़ से बहुत ही डिफ़िकल्टीज हो रही थी उसे टॉयज को खोजने में और खेलने में। और बच्चे बहुत मूडी होते हैं, कब उन्हें क्या चाहिए होता है वो हम गेस नहीं कर सकते। और शिवाय का ऐसा भी है कि वो चीज़ों को याद रखता है तो फिर मुझसे वो बार बार डिमांड करता है, मम्मा मेरा चेयर कहाँ है, मम्मी मेरा टॉय वाला बकेट कहाँ है। तो फिर मुझे भी बार बार खोजने में काफ़ी टाइम इसमें देना पड़ रहा था। तो मैं सोची कि ये जो कार्टन्स है उसको मैं एज अ स्टोरेज टाइप का बना दूँ जिससे कि शिवाय को खोजने में चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे या फिर मेरी हेल्प की उसको ज़रूरत ना पड़े। तो अभी शिवाय का जो टॉयज़ है उसे स्टफ़ करने के लिए मेरे पास एज सच कुछ स्टोरेज यूनिट या टाइप का कुछ भी नहीं है, तो मैं इसी कार्टन को उसको इस तरह से यूनिट की तरह कर दी हूँ, स्टोरेज यूनिट की तरह, और उसमें फिर सारे टॉयज़ उसको अरेंज करने वाली हूँ मैं। तो जितने भी शिवाय के टॉयज़ हैं, कुछ टॉयज़ के छोटे छोटे पीसेज होते हैं, कुछ टॉयज़ छोटे होते हैं, कुछ टॉयज़ बड़े होते हैं, तो सब टॉयज़ को मैं अलग अलग सेग्रीगेट कर करके और एक जिप लॉक बैग में उसे मैं रखते जा रही हूँ, और ताकि उसे जिस टाइम जो भी खेलने का मन करे वो एक बैग उठाए और वो खेले उस टॉयज से, और फिर एट द एंड मुझे भी उस चीज़ों को फिर रीअरेंज करने में
दिक्कत ना हो, ताकि मैं जितने भी स्टफ्स हैं वो उसी जिप लॉक बैग में फिर से डालूं और फिर उसको जगह पे रख दूं। इस तरह से क्या होगा कि मैं जब इस मुझे जब शिवाय ये सब करते हुए देखेगा तो वो भी सीखेगा कि अपनी चीज़ों को किस तरह से अच्छे से और ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। तो यहाँ पे शिवाय और मेरी हाउस हेल्प दोनों लगे हुए हैं, हेल्प कर रहे हैं मेरे। और शिवाय तो ज़्यादा हेल्प नहीं, वो थोड़ा परेशान भी कर रहा था, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि वो जो अपनी जो चीज़ें हैं वो मेरे साथ मिलके अपना अरेंज करे, ताकि वो लेटर ऑन जब फ्यूचर में भी चीज़ों को जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से वो भी करे। तो इस तरह से सारे कार्टन्स को मैं अरेंज कर दी हूँ और ऊपर मैं अरेंज की हूँ शिवाय के जितने सॉफ्ट टॉयज़ हैं वो, और फिर नीचे बॉक्स वाले एरिया में मैं जिप लॉक बैग में जितने टॉयज़ रखी हूँ वो सब अरेंज करूँगी। तो इस तरह से बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखेगा जो टॉयज़ का सेक्शन है। बट स्टिल मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ ये अरेंजमेंट से, क्योंकि कार्टन्स मैं इस तरह से रख रही हूँ। मैंने नोटिस किया है कि इस तरह से कार्टन्स घर पे रखना ठीक नहीं है, क्योंकि मच्छर का घर ये बन जाता है, इंसेक्ट्स का घर बन जाता है। तो लेटर ऑन फ्यूचर में मैं कुछ ना कुछ इस चीज़ के लिए सोचूंगी, बट फ़िलहाल मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से कार्टन्स से काम चला रही हूँ। मैं एक बार ऐसी टॉय ऑर्गेनाइज़र देख रही थी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइट से, तो कुछ ऑर्गेनाइज़र मुझे काफ़ी पसंद आए थे, बट उस टाइम जब मुझे ज़रूरत थी तो वो आउट ऑफ स्टॉक थे, बट मैं उन पे नज़र रखी हुई हूँ। जब भी वो रीस्टॉक होंगे साइट पे तो मैं डेफिनेटली वो ऑर्डर करने वाली हूँ, शिवाय के जितने भी टॉयज़ हैं उन सबको अरेंज करने के लिए। और फ़िलहाल तो इसी तरह का अरेंजमेंट से अभी मैं काम चलाऊंगी। एक चीज़ मैं और मेरी हाउस हेल्प ने दोनों ने नोटिस किया कि शिवाय जब भी खेलता है इस रूम में तो वो कुछ मैं उसे खाने के लिए भी कभी कभी देती हूँ, तो क्या होता है ना कि वो खाते खाते खेलने के चक्कर में जो खाना है, जैसे कि कुछ भी स्नैक्स अगर मैं दे रही हूँ उसे, तो वो क्या करता है कि कार्टन में या फिर अपने टॉय को खिला देता है। तो सारी चीज़ों को ना क्लीन भी मुझे करना पड़ा और बहुत सारे चिप्स या ड्राई फ्रूट्स या बिस्किट्स मुझे इन कार्टन्स से मिले। तो एक तरह से ये अच्छा भी हुआ कि मैं टॉयज़ को रीअरेंज करने के चक्कर में जितने भी टॉयज़ वाले कार्टन्स थे शिवाय के वो मैं क्लीन भी कर दी। तो अभी कुछ इस तरह का इस तरह से मैंने अरेंज किया है, एक तरफ टॉयज़ और एक तरफ मैं उसके सारे बुक्स रख रही हूँ टेबल पे, और उसके जस्ट बगल पे अरेंज करूँगी उसके जितने राइट्स हैं। और फिर ये सब अरेंज करने के बाद जितनी गंदगी है वो सब हम हटाएंगे और फिर उसका बेड अरेंज करेंगे। तो इस बेड के लिए ना हमने इस यहाँ पे कोई स्पेशल बेड नहीं रखा है, और इनफैक्ट हम जो भी मैट्रेस था उसे हम अरेंज किए हैं फ्लोर पे ही। वो इसलिए क्योंकि बेड के चक्कर में ना मुझे काफ़ी डर लगता है कि वो कहीं चोट वोट ना लगा ले। तो ये नीचे का जो बेडिंग अरेंजमेंट है वो ठीक है अभी फ़िलहाल। तो फाइनली शिवाय का सारा टॉयज़ अरेंज अब हो चुका है और अब बारी है बेडिंग को अरेंज करने की। तो सबसे पहले हम जितने टॉयज़ को अरेंज किए वो दोबारा फिर वो निकाल निकाल के खेलना शुरू कर दिया, और फिर हमें फिर से उन सारी चीज़ों को फिर जगह पे रखना पड़ा। ऐसे जब हम शिवाय के टॉयज़ को स्टफ़ कर रहे थे, जब हम मतलब अरेंज कर रहे थे, तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो रो रहा था कि मेरा ये टॉय है, मेरा वो टॉय है, उसे लग रहा था कि मम्मी किसी को टॉय दे देगी। और मैं ऐसा करती भी हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे टॉयज़ होते हैं जो बिल्कुल अच्छे कंडीशन में होते हैं, और उस पर्टिकुलर एज में जिस एज में शिवाय है तो उस एज में अब उस टॉय का कोई ज़रूरत नहीं है।
जैसे कि मैंने शिवाय के लिए प्ले जिम लिया था जब वो 2 महीने का था तब, तो जब वो बड़ा हुआ अराउंड 6 to 8 months से जब वो बैठना शुरू कर दिया तब भी वो खेलता था, तो 8 month तक वो खेला, फिर जैसे ही वो 9th month से क्रॉल करना शुरू किया था तो फिर वो प्लेस जिम का कोई काम नहीं रह गया था। और उसी वक्त मुझे कोई ऐसा बच्चा दिखा था जिससे कि उस पर्टिकुलर एज में उसके वो जिम उसका काम का रहता, तो फिर मैं उसे दे दी थी। तो ठीक है कोई खेल ले, क्योंकि बहुत ही अच्छे कंडीशन में था शिवाय का वो प्ले जिम। तो बस अभी सब कुछ अरेंज हो चुका है शिवाय का रूम, और बस मैं आपको दे दिखाती हूँ फाइनल। तो यहाँ पे बेड है, बेड के जस्ट ऊपर में शिवाय का जर्नी है फ्रॉम 1 month to 12 month, मतलब फर्स्ट ईयर का जर्नी है। उसके जस्ट नीचे में मैं एक रॉकर रखी हुई हूँ, उसके बगल में अरेंज की हुई हूँ सारे शिवाय के टॉयज़, उसके जस्ट बगल में है शिवाय का वार्डरोब, उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा टेबल मैं रखी हुई हूँ और उसके ऊपर अरेंज की हुई हूँ सारे उसके बुक्स और कॉपीज़, उसके जस्ट बगल में एक और मैंने कार्टून में अरेंज किए हुए हैं उसके कुछ टॉयज, उसके जस्ट बगल में शिवाय का सारा राइड, राइड के जस्ट ऊपर में एक वन शेप का फ़ोटो फ्रेम है जो कि मैंने खुद बनाया था शिवाय के फर्स्ट बर्थडे पर, और उसमें उसके बहुत सारे फर्स्ट ईयर के मोमेंट्स मैंने लगाए हुए हैं। और जस्ट उसके बगल में है एक वॉल यूनिट जिसमें कि मैंने उसके छोटे छोटे टॉयज़ को अरेंज किया हुआ है। तो बस ये है शिवाय के फाइन रूम का फाइनल लुक। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना रखिएगा ध्यान। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।